जेड ये होगा जेड ये होगा फोर्थ जन यानी फोर्थ जनरेशन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया गया कि कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक चला, क्योंकि हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पर ही थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जब आगे बढ़ा तो फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आया। स्टार्टिंग से ये चलते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार होने का जो थीम था वो सदियों पुराना है। ऐसा नहीं कि अचानक किसी ने सोचा और वो कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया, क्योंकि सदियों पुराना है। लेकिन सबसे पुराना जो कंप्यूटर है, जिसे कंप्यूटर का नाम दिया गया था, एक तरह से मानता है लोग, तो सबसे पुराना यानी सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर जिसे लोग कंप्यूटर मानते हैं, किसी को नहीं पता? एबेकस। सुना है ना, मैंने बताया। और मैं हर क्लास में इसकी क्वेश्चन दोहराता हूं, क्योंकि एबेकस 3000 ईस्वी पूर्व बना था। और कहाँ बना था? चाइना में, क्योंकि वो हमेशा देखिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी आविष्कार है जो चाइना में ही हुआ, और चाइना टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी बहुत आगे है। हालांकि मेन टेक्नोलॉजी में जापान का नाम आता है, लेकिन जापान के बाद अगर किसी भी और कंट्री का नाम आएगा तो किसका आता है? चाइना का आता है। तो जब जैसे कि आपने देखा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, ड्रम का यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में उसको हटा के ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, और थर्ड जनरेशन में आईसी ठीक आ गई सही में थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज होता था, रैंडम एक्सेस मेमोरी का नहीं होता था, ठीक है। और वहां पर क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रम था वहां स्टोरेज के लिए, इसके बाद आया आपका ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी लगा, और आईसी के साथ स्टोरेज के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी आया। अब हम चौथी जनरेशन पर चलते हैं, और चौथी जनरेशन में मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप आईसी का यूज करते थे, अब यहां पर आईसी हटा दिया गया, और यहाँ पर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आ चुके थे आईसी। अब देखिए लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल LSI IC और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटरनेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरनेशन, ये सारी चीजें इसमें यूज होने लगे। आप कहते हैं कि जैसे ही ये सारी चीजें इसमें यूज होने लगे तो कंप्यूटर का आकार अचानक कम हो गया, स्पीड बढ़ गई और ज्यादा देर तक ये चलने लगी। कहते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति आई, और वो क्रांति फोर्थ जनरेशन में ही आई, और ये हर आम इंसान तक अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि इसी जनरेशन में आगे चलकर बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जो लोग उस आविष्कार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब देखे और जब किए तो कहा नहीं ये संभव है, और आज तक प्रोग्रेस जारी है कि और नई नई टेक्नोलॉजी आए कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो पुरानी जितनी भी सारी चीजें थी सारी चीजें हट गई, और चौथी जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल का यूज होने लगा, और हर इंसान के पहुंच तक ये सारी कंप्यूटर चली गई। कहते हैं यहां पर VLSI तथा ULSI दोनों का यूज होना स्टार्ट हो चुका था। इसमें उच्च क्षमता वाले भंडारण जानते हो तुम लोग, स्टोरेज यानी हाई लेवल की स्टोरेज थी, और इसकी स्पीड
बहुत ज़्यादा तेज थी पिछले कंप्यूटर की अपेक्षा। आप बैठ जाइए, पहले बात कीजिए। अब इनमें क्या था कि अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड जनरेशन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्षेत्र अलग हो चुका था, सॉफ्टवेयर अलग होते थे, हार्डवेयर अलग होते थे। अब यहाँ पर क्या था कि हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट मिलने शुरू हो गए, हार्डवेयर के क्या हो गए, अलग अलग पार्ट्स मिलने शुरू हो गए, नए नए सॉफ्टवेयर बनने लगे और मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आ गई जो हार्डवेयर बनाने लगी, तो कोई कंपनियाँ सॉफ्टवेयर बनाने लगी। कहते हैं कि इसी क्षेत्र इसी सदी में यानी फोर्थ जनरेशन में ही मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। मिनी कंप्यूटर जैसे कि आप देखा ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हैं, ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह सब था। क्योंकि पहले आपको जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन क्लासेस में आपको मैंने बता रखा है कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे कि उसे एक 10x10 की रूम में रखना संभव नहीं था। उसके लिए कितनी बड़ी 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 रूम होती थी, एयर कंडीशन में रखना होता था। अब वो सारी चीज़ें हट गई फोर्थ जनरेशन में कि बिना एयर कंडीशन के भी हम कंप्यूटर को चला सकते थे। जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो कंप्यूटर था वो क्या था, 50x50 स्क्वायर फीट का था ना, सबसे पहले जो बना था, तो कितना बड़ा हो सकता है सोच लो। और उसे ऑपरेट करने के लिए कोई एक इंसान से नहीं हो पाएगा, बहुत सारे इंसान मिलकर उसे ऑपरेट करते थे एक ही चीज़ को। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि एक कंप्यूटर पर अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग लोग ऑपरेट करने लगे। अब पहले एक ही प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत होती थी, ज़्यादा बड़ा था, उसकी स्टोरेज क्षमता नहीं थी। और जैसे जैसे ये कंप्यूटर का विकास हुआ और फोर्थ जनरेशन में आया तो ये कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, एक मिनी कंप्यूटर बन के रह गया। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर मैक्रो प्रोसेसर, सुना है ना प्रोसेसर का, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोसेसर का यूज होना शुरू हो गया। अब प्रोसेसर जो उस समय होते थे तो उसमें पिन लगी हुई होती थी, प्रोसेसर के नीचे पिन होती थी, बहुत सारी पिन होती थी, वो उस पिन पर सोने का लेप होता था यानी गोल्ड की लेप होती थी। अब धीरे 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 अभी भी पिनलेस सॉरी पिन वाले मिलते हैं प्रोसेसर, और अब तो पिनलेस प्रोसेसर भी हैं जो मार्केट में अच्छा आए हुए, क्योंकि पिन टूट जाती थी बार बार निकालने लगाने से क्या होता था, पिन डैमेज हो जाती थी। लेकिन जब पिनलेस प्रोसेसर आया तो वो डैमेज सिस्टम ही हट गया, डैमेज नहीं होता है, होगा तो सीधे खराब होगा, ठीक है। तो प्रोसेसर का उपयोग इसी में होने लगा क्योंकि ये छोटा कंप्यूटर था तो इसमें बड़ा सा हम ड्रम नहीं लगा सकते थे, आईसी ट्रांजिस्टर ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रूप हो जाती थी, बहुत सारे चीज़ें लगाने होते थे। अब छोटा सा प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें हो गए। कहते हैं कि प्रोसेसर जो था इसमें हजारों आईसी फिट हो जाते थे, यानी हजार आईसी या 100 आईसी जो आपका काम करेगा वो एक प्रोसेसर ही कर देता था। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर आईसी मिल के एक प्रोसेसर बनाया था सबका, और उतना काम एक छोटा सा प्रोसेसर करता था फोर्थ जनरेशन में। इसके बाद आपका है फोर्थ जनरेशन में ही आप देखोगे जब कंप्यूटर का यूज, जब ये फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बना मिनी कंप्यूटर, तो इसका यूज होने लगा। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर था जिसका यूज किस किस क्षेत्रों में होता था, मैंने बताया था। अब इसका यूज फंड ट्रांसफर में भी होने लगा कि हम एक जगह से दूसरे जगह पैसे को ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। जैसे आप अभी देखते हो कि किसी के अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं मोबाइल से भी भेजते हैं नहीं भेजते, तो ये संभव फोर्थ जनरेशन में हो गया। जब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया तब जाके ये संभव हुआ कि हम अपनी फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट था आपका, अब इसका यूज व्यावसायिक उत्पादन कमर्शियल क्षेत्र में बहुत ज्यादा होने लगा और लोग व्यक्तिगत यूज में भी कंप्यूटर खरीदने लगे। पहले लोगों के घरों में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, सरकारी संस्थानों में ही हुआ करते थे। और फोर्थ जनरेशन में जैसे ही मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हो गया, हर आम इंसान तो नहीं खरीद सकता था उस समय भी, लेकिन ज्यादातर लोग खरीदने लगे।
क्योंकि आपने सुना होगा 1.5 लाख 2 लाख में पहले कंप्यूटर आते थे, दादा वगैरह सब से सुने होंगे, पापा से सुने होंगे, लेकिन अब 1.5 लाख में कंप्यूटर आते हैं, सस्ती हो गई और उसकी क्षमता भी बढ़ गई, और पुराने जो इसके भी घर में कंप्यूटर होंगे बहुत ही भारी होगा, वजन होगा उसको, होता है, और आज के कंप्यूटर में क्या वजन होता है, अगर कबाड़ी के पास लेके जाते तो कहता है आधे किलो हुआ, 1 किलो हुआ, और पुराने कंप्यूटर ले जाए तो कहता है 20 kg हुआ, 25 kg हुआ, ठीक। फिर लोग कहते हैं अरे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ओल्ड इज गोल्ड, सुना है ना, जो इस कबाड़ी में भी गया था पैसा दे के गया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब हम खरीदे थे तो कितना लगा था, ठीक है, क्योंकि जब हम आज के कंप्यूटर खरीदते हैं तो पैसे कम लगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, तो उसी अनुसार हर चीज़ होता है, लेकिन यूज़ कितना है पुराने कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है कि नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में P1, P2, P3 ये सब का नाम सुने, P4 ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, P1, P2, P3, P4 ये सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, और आज P4 यूज होते हैं। P2 पर काम करना पसंद करोगे, देखो P2 कंप्यूटर उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है, P1 की स्पीड इतनी स्लो होती है, एक बार कमांड दीजिए आप 2 मिनट तक बैठ जाइए और प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद कोई काम होगा, जैसे कि आपको कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक कीजिए तो 1-2 मिनट बैठ जाइए, ठीक है। थोड़ी देर आपको रेस्ट लेना होगा फिर जाकर वो काम होगा, यानी स्लो मोशन में धीरे धीरे काम होता था, लेकिन आज के कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार क्लिक किए शुरू,